नेक्स्ट टॉपिक है आयु का क्रम। आयु जो हमने पढ़ा उसके क्रम है, तो क्रम क्या होता है? क्रम सीधा समझने के लिए आप सीधा लिख दो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। आयु में कितनी पंक्तियां है इंटू कितने स्तंभ है, उसको गुणा करेंगे तो इस प्रकार ये इसका क्रम होता है। तो परिभाषा इसकी हो गई, यदि किसी आयु में पंक्तियों की संख्या एम तथा स्तंभों की संख्या एन है तो उसका क्रम हो गया एम इंटू एन। अब क्रम से संबंधित ही आपके प्रश्नमाला 3.1 में प्रश्न है, तो उस प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि आयु प्रश्नमाला 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और वो है आयु दे रखा ए इज इक्वल टू ए आई जे और उसका क्रम लिखा है इसने 2 × 4। तो आपसे पूछा है इसने अवयवों की संख्या, पूछा है इसने अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया पहले कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या उसके पंक्ति और स्तंभ को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वही उसकी होती है अवयवों की संख्या। तो ये हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू 2 × 4 में अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो देखिए इसमें कितने पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4, 2 × 4 बराबर इस मैट्रिक्स में 8 अवयव है और यही इसका आंसर है। तो आपका ये पहले प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं अब हम, और इससे संबंधित ही एक प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4, फर्स्ट के बाद फोर्थ प्रश्न में क्या लिखा इसने 6 अवयवों वाले प्रश्न है, 6 अवयवों वाले अवयवों के संभावित क्रम। हमें यहां अवयवों की संख्या दे रखी है, हमें क्रम निकालना है। ऊपर वाले प्रश्न में क्रम दिया हुआ था, अवयवों की संख्या निकाली हमने तो जो क्रम था उसको गुणा करके अवयव निकाल लिया। अब अवयव दे रखे आपको, 6 अवयव है, आपसे क्रम पूछे हैं कि क्रम क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसको, इसके क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो अवयवों की संख्या दे रखी है 6, तो हम यहां प्रयास करेंगे कि 6 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं 2 संख्याओं वाले। तो देखो 6 का सबसे पहला गुणनखंड हो सकता है 1 × 6, अगला गुणनखंड हो सकता है 6 × 1, हो सकता है ना। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 6, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 6। तो ये 6 अवयवों वाली आयु के संभावित क्रम है 1, 2, 3, 4। पहला क्रम 1 × 6, दूसरा 6 × 1, 2 × 3 एंड 3 × 2 हो सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके आयु का व्यापक रूप। कोई भी आयु लिखना है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, छोटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो व्यापक रूप में इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए हम मान लिया एक हम आयु लेते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या है m और स्तंभों की संख्या है n। पंक्ति m है तो देखिए आप इधर पंक्ति लेफ्ट टू राइट चलती है, इसलिए पंक्ति 1, पंक्ति 2, 3, पंक्ति m यहां आ गई
और बीच में एक पंक्ति ले ली हमने आईवी पंक्ति, कोई भी मान हो सकता है इनके बीच का। इसी प्रकार यहाँ कॉलम एन लिया है, तो कॉलम एन देखिए इधर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये एनवा कॉलम, और इसके बीच का हम कोई कॉलम ले लिया जीवा कॉलम। तो इस प्रकार ये अवयव बन गए प्रथम पंक्ति के, द्वितीय पंक्ति के, तृतीय पंक्ति के और ये है एम वी पंक्ति के अवयव है, ये एन वे कॉलम के अवयव है, तो इसको एम क्रॉस एन का अवयव कहते हैं। इसको अगर हम इसको संक्षेप में लिखें तो इसको लिखा जाता है बड़े कोष्टक के अंदर स्मॉल ए आई जे, आई पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या, बाहर आ गया इसका क्रम जो भी है एम इंटू एन, आई रॉ एंड जे क्या है कॉलम। इसके बाद आगे चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। पहला प्रकार है आपने पूर्व में जो एनिमेटेड वीडियो था उसमें भी आपने पढ़े हैं, जो रिविजन करते थे दोबारा हम पंक्ति आव्यू, नाम है स्पष्ट पंक्ति, शर्त इसमें पंक्ति एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति केवल एक, कॉलम एक से अधिक या एक भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा हो गई ऐसा आव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, शर्त है यहां पर केवल एक पंक्ति, इसलिए इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यू। तो देखिए इसमें है ए वन टू थ्री, एक ही पंक्ति है, कॉलम तीन है, तो इसलिए इसका क्रम हमेशा निश्चित रहता है वन, पंक्ति तो वन ही रहेगा, कॉलम का मान, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसका क्रम रहता है वन इंटू एन। नेक्स्ट स्तंभ अवयव, नाम है स्तंभ, इससे स्पष्ट होता है जिस प्रकार पंक्ति था तो पंक्ति एक, इसी प्रकार स्तंभ अवयव, स्तंभ आव्यू, स्तंभ अवयव नहीं आव्यू, तो स्तंभ आव्यू में स्तंभ की संख्या एक रहेगी, क्या रहेगी स्तंभ की संख्या एक, पंक्तियां एक भी हो सकती है, एक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तो परिभाषा इसकी ऐसा आव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ, क्या है नहीं विशेष चीज क्या है स्तंभ एक, तो ये कहलाएगा स्तंभ आव्यू कहलाता है, क्या कहलाता है ये स्तंभ आव्यू। देखिए आपके सामने लिखा है इसमें कॉलम एक है, पंक्तियां तीन है, तो इसलिए इसको तीन इंटू एक क्रम का स्तंभ आव्यू है, तो इसका व्यापक क्रम होगा एम इंटू वन। पंक्तियों की संख्या एक एक से अधिक हो सकती है, स्तंभ की संख्या हमेशा एक ही रहेगी। नेक्स्ट शून्य आव्यू, शून्य आव्यू नाम से स्पष्ट है शून्य है मतलब सारे अवयव शून्य, ऐसा आव्यू जिसके सभी अवयव शून्य हो शून्य आव्यू कहलाता है। आपके सामने दो उदाहरण दे रखे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसके टू इंटू टू क्रम का है, सारे अवयव जीरो है, इसका मान भी जीरो होगा, और ये तीन इंटू तीन क्रम का मैट्रिक्स लिखा आपके सामने, सारे के सारे अवयव जीरो, इसलिए इनको हम शून्य आव्यू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ग आव्यू, स्पष्ट है वर्ग बनेगा, वर्ग बनने का मतलब यह हुआ पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर, जितनी पंक्ति उतनी ही स्तंभ, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान, वर्ग आव्यू कहलाता है। तो व्यापक रूप में कह सकते हैं आई और जे दोनों बराबर, आई की संख्या और जे की संख्या क्या रहेगी हमेशा बराबर रहेगी, वो कहलाएगा वर्ग आव्यू, वर्ग बनना चाहिए। नेक्स्ट विकर्ण आव्यू, नाम से विकर्ण, विकर्ण आव्यू क्या होगा इसका कि जो भी वर्ग आव्यू, इसकी शर्त है वर्ग आव्यू ही होना चाहिए, आयताकार नहीं, वर्ग आव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण, देखिए अब इस विकर्ण में इस जो आपके सामने मैट्रिक्स है इसमें ये फर्स्ट अवयव से लेकर और अंतिम अवयव, यहां से देखिए आप एक विकर्ण बन रहा है, इसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो ये लिखा मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, तो इस मैट्रिक्स में देखो आप मुख्य विकर्ण में तो अवयव है इसके तीन चार पांच, ये तो मुख्य विकर्ण के शेष ऊपर वाले भी हो नीचे वाले सारे अवयव जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्रम इसका कुछ भी हो सकता है, वर्गाकार होगा,
पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। नेक्स्ट अधिसावयव, अधिसावयव विकर्ण का ही रूप है। विकर्ण अवयव में तो क्या था, मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब अधिसावयव में अगर मुख्य विकर्ण के अवयव जो है समान हो, सभी अवयव बराबर हो, एक ही अंक हो, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं अधिसावयव। जो यहाँ अवयव की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए, तो ऐसे विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अधिसावयव कहलाता है। नेक्स्ट इकाई अवयव, नाम से स्पष्ट इकाई, इकाई का अर्थ होता एक। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है एक हो, इकाई हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इकाई अवयव। देखिए आपको सामने ये रहा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण में सभी अवयव इसके वन 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 है, अन्य सभी अवयव जीरो है, इसलिए इसको बोलते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव का मान वन होता है। अब इकाई अवयव आया, यहां से भी चलते हैं वापस हम प्रश्न वाला में, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपने दे रखा है, तो उस प्रश्न को हम समझ लेते हैं, उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपके प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न। क्या दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है 4×4 क्रम का इकाई अवयव। अभी हमने परिभाषा पढ़ी इकाई अवयव, इकाई अवयव का मतलब होता है मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन, तो देखो आप हमें यहां पर अब इकाई मैट्रिक्स बनानी है और उसका क्रम क्या रखना है, क्रम रखना हमने 4×4, मतलब पंक्तियों की संख्या भी चार, स्तंभों की संख्या भी चार, और इकाई अवयव होना चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव जीरो। देखिए चार स्तंभ इसलिए मैंने चार अंक ले लिए, अब इधर भी चार पंक्तियां इसलिए चार लेंगे, तो मुख्य विकर्ण के अलावा सबको जीरो लेना है। ये चार कहां से आए, चार स्तंभ, ये चार अंक कहां से आए, चार पंक्तियां। अब मुख्य विकर्ण में तो वन आएगा, अन्य सब आएंगे जीरो। मुख्य विकर्ण यहां आएगा, इधर चलेगा ये वन जीरो 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 वन। तो ये बना आपके 4×4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स, चार पंक्ति और चार स्तंभ, ये इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हम त्रिभुजाकार अवयव, नाम से पूछे त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बनेगा। वो त्रिभुजाकार अवयव को भी दो प्रकार में बांट रखा है इसमें, ऊपरी त्रिभुजाकार यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर की तरफ और मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के, अब यहां विलोम में नाम है ऊपरी जीरो हो रहे नीचे वाले, ऐसे ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो। ऊपर के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, शून्य हो या कोई अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव अगर जीरो है तो उसको हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक इसी प्रकार निम्न त्रिभुजाकार अवयव, वही मुख्य विकर्ण, नाम है निम्न, तो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर के अवयव जीरो होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव अगर जीरो है तो यह कहलाता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। नेक्स्ट टॉपिक समान अवयव, इसकी डेफिनेशंस, इसके प्रश्न तो है आपके बुक में पर डेफिनेशंस आपके बुक में नहीं है। देखिए क्या है समान अवयव, समान अवयव है आपके सामने, नाम से स्पष्ट है समान है। तो ऐसे दो अवयव जिसमें उनके संगत सभी अवयव समान हो, संगत अवयव मतलब दो अवयव अलग अलग है ए और बी, संगत अवयव से मतलब है इसका भी ए वन वन प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, इसका भी ए वन वन प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये दोनों अवयव समान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सारे अवयव ए वन टू
A12, A13, A13। इसी प्रकार सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों की संगत अवयव क्या होना चाहिए? समान। तो इनको हम बोलते हैं समान आवयु। समान आवयु से संबंधित आपके प्रश्नमाला में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से हम एक प्रश्न को हल करते हैं और शेष प्रश्न आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए देंगे। तो क्या प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, देखते हैं बुक से। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न आपके तीन है, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न क्या है कि यदि दो मैट्रिक्स दे दी इसने, पहली मैट्रिक्स है जिसके अवयव है K+4-1, 3 and K-6 = दोनों समान मैट्रिक्स है, = ये हो गया A-1, 3-4 दोनों समान मैट्रिक्स है, तो ये आपसे A का मान ज्ञात करना, ये कह रहा A का मान ज्ञात करो। तो हमें अभी समान आवयु वाली परिभाषा का उपयोग करना है। यहाँ पर समान आवयु में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा संगत अवयव समान। तो इसका संगत अवयव K+4 का संगत अवयव A, -1 का संगत -1, 3 का